Welcome you all in the video lecture series of C program. पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि एरे में से बड़ा नंबर कैसे प्रिंट करना है. इस प्रोग्राम में हम देखेंगे हाउ टू प्रिंट मीन एलिमेंट फ्रॉम 1D एरे. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पिछला प्रोग्राम लिखा हुआ है हाउ टू प्रिंट मैक्स एलिमेंट फ्रॉम 1D एरे. अगर आप एरे में से मैक्स नंबर फाइंड कर सकते हो तो उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है. आप मिनिमम नंबर एरे के अंदर से फाइंड कर सकते हो. तो मैक्स का जो लॉजिक हमने लिखा था उसमें हमने एक वेरिएबल लिया था मैक्स, जिसके अंदर हमने इनिशियली वैल्यू स्टोर की थी 0. यहाँ हमको इस लॉजिक को थोड़ा चेंज करना है. तो सबसे पहले आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि मैक्स हमने कैसे निकाला था. If you don't know this logic, please watch my video which I have made for finding max element on from 1D array. तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए. तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ मीन. और ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर नहीं लिख सकते मैक्स इक्वल्स टू 0. मैक्स के लिए हमने शुरू में ही कंसीडर किया था कि मैक्स वेरिएबल के अंदर जो नंबर होगा वो 0 होगा और जो भी एरे एलिमेंट आ रहे हैं वो नॉन ज़ीरो एरे एलिमेंट होंगे, जो कि पॉजिटिव नंबर्स हमने इसे कंसीडर करके चले थे. इसलिए हम कंपैरिजन 0 के साथ उसको कर सकते थे. बट मिनिमम के केस में आप इस वेरिएबल के अंदर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम अगर आपको फाइंड करना है तो अगर बिकॉज 0 इज़ ऑलरेडी मिनिमम नंबर, तो आप उसको नहीं रख सकते हो. तो मैं स्टेटमेंट को यहाँ से फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ. तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू मिनिमम के अंदर क्या रखनी होगी मैं आपको बताता हूँ. यहाँ हम एरे के अंदर 5 नंबर स्टोर कर रहे हैं और जैसे ही 5 नंबर एरे के अंदर स्टोर हो जाते हैं, मैं इस मिनिमम वेरिएबल के अंदर उनमें से जो पहला नंबर है दैट इज़ नम ऑफ 0, उसको मैं स्टोर कर देता हूँ. अब नम ऑफ 0 को मुझे कंपेयर करना है बाकी वेरिएबल्स के साथ. तो 0 तो ऑलरेडी आ गया है मीन के अंदर, तो ये फॉर लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा 1 to 4, मतलब 3 बार ही मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है. और जो मेरी कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इफ़ मीन ग्रेटर दैन नम ऑफ आई. अगर इसके अंदर का जो भी एलिमेंट है मीन के अंदर वो अगर नम ऑफ 1 से बड़ा है तो हमें उसे निकाल देना है और नम ऑफ 1 को उसके अंदर डालना है, या फिर जो भी नंबर है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू. और एट द एंड आपको मीन वेरिएबल में जो सबसे छोटा नंबर है वो मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट करना है. तो यहाँ मैक्स की जगह मैं लिख देता हूँ मीन इक्वल्स टू परसेंट डी. मैक्स वेरिएबल की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर मीन. लेट्स सेव दिस प्रोग्राम. proc 36.c compile and run. So let's enter any 5 number. तो इनमें से जो भी मिनिमम नंबर है वो प्रिंट हो रहा है. सो वन मोर टाइम वील रन दिस प्रोग्राम. रैंडमली आप कोई भी 5 नंबर एंटर करो, शो यू मिनिमम 0. क्योंकि अगर आप मैक्स के अंदर 0 रखते और 5 इंटीजर नंबर आप अगर एंटर करते तो वो आपको मिनिमम इक्वल्स टू 0 ही दिखाता था, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन ऑल द नंबर्स विच यू हैव एंटर्ड. सिर्फ उसी केस में वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता था जिस केस में आप निगेटिव नंबर अगर एरे के अंदर स्टोर करते हो, तो उसी केस में आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा अगर आप मैक्स मीन के अंदर 0 रखना चाहते हो तो. बट दिस इज़ दी परफेक्ट लॉजिक. इसमें आप कोई भी नंबर एरे के अंदर स्टोर कर दो, ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करके देगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो.